तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में है क्या, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी चंडीगढ़ फैमिली में। चलो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, है क्या भाई कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। क्वेश्चन यार बहुत ही ज्यादा इजी है। क्यों, एक चीज ध्यान रखना भाई, अगर आपको कभी भी रेशियो में और नंबर की बात कर रहा है ना, सिंपल से याद रखना यार कि तुमको जो वेरिएबल पसंद हो, ए से लेकर के जेड तक तुमको जो भी अच्छा लग रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, 5:3 है ना, तो एक को मान लेना 5x, मान लो अगर x मान रहे हो तो, दूसरे को मान लेना 3x। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, लेट द नंबर्स भी क्या हो जाएंगे आपके 5x एंड 3x, जो भी वेरिएबल पसंद हो आपको वहां पर रख सकते हो। जैसे मैंने यहां पर x रखा हुआ है, तुम्हारी जो भी चलो ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर के जेड तक कुछ भी रख दो, ठीक है? नहीं यहां पर 5x एंड हमने 3x रख लिया। अब बात करते हैं, देखो इसमें है कि इफ दे डिफर बाय 18, डिफर का मतलब है कि भाई दोनों नंबर्स को आपस में घटाने पर क्या आना चाहिए आपका, 18 आ रहा है, ठीक है? तो क्या करेंगे भाई, दो नंबर्स में हमको पता है ना क्या है, 5x एंड 3x है, तो क्या करेंगे 5x लिखो भाई एंड माइनस का 3x लिख दो, और इनको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है भाई, यहां पर आपका आ रहा है 18। ओके, 5x माइनस का 3x कितना हो जाएगा, 2x होगा ना, इक्वल में 18। भाई अपोजिट साइन है तो वैसे भी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, 5x के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस है, लिखा नहीं हुआ माना तो जाता है ना, ठीक है? तो 5x माइनस 3x इक्वल में 2x इक्वल में 18 है। अब 2x है यहां पर, देखना 2 एंड x क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 2 को किधर भेजेंगे भाई, x की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो x को अकेले रखना पड़ेगा, तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो x इक्वल में क्या हो जाएगा 18 अपॉन का 2। ओके, अब आपस में भाई कैंसिल कर दो, यहां पर 9 आएगा यहां पर 1 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 1, या फिर x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 9। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ये हमारा आंसर सही है कि गलत है इसको भी हम देख लेते हैं। क्यों, कैसे भाई, यहां पर हमने माना था 5x एंड 3x दोनों नंबर्स को माना था, ठीक है? तो 5x पहला नंबर क्या हो जाएगा, 5x का मतलब है कि x की जगह पर हम क्या रख देंगे 9, तो हमारा आ गया 5 9 जा कितना हो जाएगा 45। ऐसे ही दूसरा आपका 3x है, तो यहां पर 3 इंटू कितना हो जाएगा 9, तो दूसरा आ गया 27। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि भाई दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 18 आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस करो, क्या रहना चाहिए। देखो 5 में से 7 माइनस होगा नहीं, 15 में 7 माइनस करेंगे कितना होगा 8 होगा, बचा यहां पर कितना 3, 3 में से 2 माइनस करोगे कितना होगा 18, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में यार कोई भी आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे यहां पर मैंने ये रखा हुआ ना, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं 6:3 और यहां पर मैं इस जगह पर 18 लिखा रहेंगे, तो 27 कर देता हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करना ऐसे ही करो, कुछ नहीं अलग से कुछ नहीं करना, बहुत इजी आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हो गया यार आपका एंड। कहीं पर भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन बनता है तो जरूर पूछना, कोई दिक्कत नहीं कमेंट सेक्शन में। बाकी इसके जो पीछे वाले एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन हैं, सभी का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के देख लेना जो भी आपको नहीं आता है। बाकी यार आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।